भी आराम से बैठने के बाद उसके बाद धीरे धीरे मन को श्वासन को ऊपर रखिए स्लो एंड स्टडी फर्स्ट सिटिंग पोस्टर इंपॉर्टेंट है आराम से बैठिए सब लोग उसके बाद आंख बंद करिए एक मिनट रहो वैसा बाद में धीरे धीरे श्वासों के ऊपर ध्यान रखना मेडिटेशन शुड हैपन वेरी रिलैक्सली आनंद से खुशी से ध्यान शुरू करो ध्यान में बैठने के समय ऐसा सोचो यूनिवर्स से इतना अच्छा मौका मिल गया अपने आप से मिलने के लिए इससे बेहतर क्या चाहिए एक चौहार जैसा एक खुशी का शादी है हम कितना खुशी में रहता है वैसा ही ध्यान करने का समय आनंद से आराम से सुख से बैठकर ध्यान करना वॉट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी आज इसी वक्त हम सब के लिए कंप्लीट रिलैक्स कंप्लीट रिलैक्स ध्यान का समय अपने आप को सुखासन में बैठकर नेक्स्ट सांसों के ऊपर ध्यान रखना सांस सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट अंदर जाने वाला सांस बाहर आने वाला सांस दोनों के ऊपर अपना ध्यान एक सांस भी छुटना नहीं दोस्तों कॉन्सेंट्रेट ऑन युवर सिंपल नैचुरीप एंड डीप सैलेंस हर समय याद रखिए निशब्दम उच्चते द मोर यू आर साइलेंट द मोर यू आर ए क्रिएटर सत्य को पाने के लिए सत्य को महसूस करने के लिए अंदर से साइलेंस होना जरूरी है डीप एंड डीप साइलेंस माय डियर फ्रेंड्स Deep एंड deep साइलेंस थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए खुद के लिए अवर माइंड इज अवर बॉडी इसलिए मन को शून्य करना है तो शरीर को भी निश्चिल रखना स्थिर रखना सुखासन में बैठकर उंगली में उंगली रखना दोनों पैर क्रॉस करिए आंख बंद करना कुछ बात नहीं

कैसा सांस अंदर जा रही है और फिर वापस कैसा बाहर आ रही है एक सांस भी चुटना नहीं सांसों को देखते रहो देखते रहो लेटर्स मेन्टेन दिस साइलेंस माइ डियर बाहर और अंदर संपूर्ण निशब्द कितना ये साइलेंस के बारे में हम सीखते जाएगा उतना गहराई में जाएगा कनेक्ट टू अवर इनर वर्ल्ड इन दिस डीप साइलेंस Silence happens when the mind is completely still. No thoughts, no work. Just be that. बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों लेटर्स एंटर इनटू द ग्रेट साइलेंस सिर्फ और सिर्फ शासन का ऊपर ध्यान कितना थॉटलेस स्टेज पर जाएगा निर्विचार स्थिति पर जाएगा उतना शक्ति का प्रवाह विश्व शक्ति का प्रवाह हमारा अंदर जाएगा इसलिए कुछ भी विचार नहीं कुछ भी सोच नहीं नो वर्क टू यूवर बॉडी एंड माइंड एक सांस का ऊपर ध्यान ऊपर का विश्व शक्ति अपने अंदर का कुंडलनी शक्ति से मिलकर अपने आप अपने अंदर हरेक चक्र हरेक शरीर में यह शक्ति का प्रवाह से भर जाएगा हम शक्तिधार ಶಕ್ತಿ ಸೆ ಮೂಲಾಧಾರೈಕ ನಿಲಯ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನಿ ಮಣಿಪುರಾಂತರುದಿತ ವಿಷ್ಣುಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನಿ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಾಂತರಾಲದ್ರಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನಿ ಸಹಸ್ರಾರಾಂ ಭುಜಾರೂಢ ಸುಧಾ ಸಾರಾಭಿವರ್ಷಿಣಿ हम वो स्थिति पाएगा सुधा सारा भी वर्षिनी किधर सहसरा से शक्तिपात होता है पूरा शक्ति का प्रवाह से हम भर जाएगा उस शक्ति सिर्फ ध्यान के माध्यम से मिलता है नो थॉट्स माई डियर फ्रेंड्स Deep and deep silence, deep and deep silence. आसों का ऊपर ध्यान दोस्तों, बिल्कुल विचार नहीं साइलेंस अगेन एंड अगेन सभी चीज को भूल जाओ क्या हो गया क्या होने वाला है इस अनंत ब्रह्मांड में हम सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटा हमारा प्रॉब्लम इससे छोटा है हमारा पास्ट उनसे भी छोटा है तब किस बात के लिए सोच विचार छोड़ दो सब कुछ और इसी वक्त अपने सासों का ऊपर ध्यान रखो Thoughts, no actions, no words, just don't move, be with your breath. निर्विचार स्थिति पर पहुंचने तक श्वासों का अब्जर्व करिए दोस्तों आज हम कंप्लीटली साइलेंस मेडिटेशन कर रहे हैं नो साउंड नो म्यूजिक कंप्लीटली ऑब्जर्व यूर ब्रीथ अंडरस्टैंड द इन्नर साइलेंस मूव द इनर साइलेंस ये सबसे जरूरी है इतना साइलेंस को स्वीकार करना सबसे जरूरी है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपने सासों के साथ रहो कंप्लीट साइलेंस होने तक जब निर्विचार स्थिति पहुंच गई है उसी स्थिति पर रहो और आगे जाते रहो विचार है तो सासों के साथ रहो विचार नहीं है तब उस स्थिति पर रहो किधर निर्विचार है उसी स्थिति पर रहना सीखो प्रैक्टिस द वीटनेस टू ऑल द थिंग्स वॉट आर हैपनिंग इंटरनली आकर दस मिनट कुछ भी विचार नहीं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ टेन मिनट्स डीप एंड डीप साइलेंस सांसों के ऊपर ध्यान हर एक दिन एक चीज करना है अपने स्वधर्म को हम करते रहना है सब चीज सबके लिए कर रहे अपनों को भूल जा रही है हम अब हमका हमारा स्वधर्म क्या है स्व मतलब अपना अंदर का आत्मा का आत्मा का धर्म में रहना जरूरी है दोस्तों अपने स्वधर्म को हर रोज पालन करना अपना स्वधर्म है ध्यान खुद को पहचानना हम क्या है हम कौन है क्यों आया है इस धरती पर क्या ये शरीर हो और मैं इसके अलावा क्या हूं एक चीज के लिए समाधान अपना अंदर है ढूंढना ध्यान से यह संभव है दोस्तों बाहर कुछ भी नहीं सब चीज अपना अंदर है हमारा वास्तव का सृष्टि हम ही कर रहे वी आर द क्रिएटर्स ऑफ our ओन reality. लेट us अंडरस्टैंड that वी आर द क्रिएटर्स Of our own reality, last five minutes. सांसों के ऊपर ध्यान <coughs> लास्ट फाइव मिनट्स माय डियर फ्रेंड्स अपने मन कंप्लीटली स्थिर स्टेबल और थॉटलेस स्टेट में रहना सांसों के साथ रहना लेट एस में कंप्लीट साइलेंस Last three minutes. Two minutes, one minute. 30 seconds five four three two one zero दोनों हाथ के ऊपर रखिए दोस्तों कंप्लीट रिलैक्स कंप्लीट रिलैक्स धीरे धीरे खुशी से आनंद से अपने आंखों को लिए या सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स सो लेट अस कम टू दिस मोमेंट लेट अस अंडरस्टैंड सो so, धीरे-धीरे आंख खोली <coughs> हां कैसा लगा है मेडिटेशन बहुत अच्छा मैडम वंडरफुल वंडरफुल बहुत अच्छा मैडम अति सुंदर हां थैंक यू सर थैंक टू गिव यू अप द दिस अपॉर्चुनिटी ये थैंक्स आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए नहीं आप बहुत अच्छा और uh, हाँ सो लेट अस कम टू अवर सेक्शन अंत करना बिफोर स्टार्टिंग द सेक्शन ये ये फिर शुरू आज का टॉपिक uh, शुरू करने के पहले कल क्या क्या किसमें क्या डिस्कस किया किसी को भी याद है एक तो बता दो मतलब एक पर्सन ने कल का डिस्कशन क्या है कल हम किस बात के लिए डीपली डीपली वी आर गोइंग आराम से जा रही है एक एक पॉइंट समझ में आ गया तो भी सब चीज बदल जाएगा कल क्या डिस्कशन मन, मन बुद्धि अहंकार और चित्स इंद्रिया फाइव And five, eight, eight. और के बारे में बात करें अहंकार के बारे में अहंकार के, के बारे में हाँ मन का गुण क्या है अहंकार का गुण जुएलिटी हाँ अहंकार का अहंकार का गुण क्या है जुएलिटी जु... मन संकल्प विकल्प से रहता है संकल्प संकल्प, मन, संकल्प, आ, संकल्प और विकल्प दोनों से जुड़े, दोनों मन का जुड़े रहता है आ, और मन किससे उनका सेवा करवाता है उनका पूरा इंफॉर्मेशन इंद्रियों से हाँ जुआलिटी यस जुआलिटी तो मन क्या करता है पूरा इंद्रियों से उसका नॉलेज लेता है कितना पांच कर्मेंद्रियम पांच ओके okay? मैं हर दिन पूछते रहना जरूरी है <laughs> आ, सुनकर छोड़ दिया तो और क्या ओके okay? जी मैं सो so, मन या मन ये सब इंद्रियों से जुड़ा रहता है और मन क्या करता है मन ही आत्मा का सेवक है ये मन मतलब क्या मन छोटा बात नहीं मन इज वेरी बिग मन इज एन ऑफिसर बट मन इज एन ऑफिसर या मन इज ए ऑफिसर टू इंद्रियास बट मनी इज ए सेवक टू आत्मा आत्मा है। समझ गए मनी इज अ गुड सर्वेंट मनी इज ए मन इज एन मन इज एन ऑफिसर आत्मा इज अर ऑफिसर आत्मा इज नॉट सीनियर आत्मा इज द ओनली एमडी वही है It, <laughs> उनका कंपनी है ये सब उनका कंपनी में आत्मा का कंपनी में आत्मा एक ऑफिसर को रखा है हाँ, वो बात हुई ऑफिसर <laughs> को रखकर पूरे इंफॉर्मेशन ले रही है और वो ऑफिसर का क्वालिटी कितना है एक बड़ा मन है उसको डिवाइड किया तो मन बुद्धि चित्त अहंकार चार तरफ और ये मन क्या किया और बेहतर इंफॉर्मेशन के लिए अंत अंतकर्ण है ये अंदर वर्क करने वाला ऑफिस रूम में बाहर जाकर कोई मार्केटिंग करना कोई वर्क करना है वो कौन है मतलब को इंद्रियो एम एमडी के लिए काम करने वाला अंत है तो ये अंत कर्ण का अंदर काम करने वाला इंद्रियों इसलिए ये अंत बाहर और अंदर का दोनों का बीच में रहकर दोनों को इन्फॉर्मेशन दे रही है ये कल का सब्जेक्ट है hmm. है ना ठीक है और इससे आगे भी जाएगा और कल और एक बात भी डिस्कस किया कि अहंकार का गुण क्या है अहंकार एवरी टाइम विल बी इन जुआलिटी वो आयाम में खुद का बारे में अहंकार हाँ। थोड़ा वो पर रखने के लिए हर समय प्रयास करता है, रहता है। हाँ <laughs> और अहंकार का बात क्या है अहंकार किस तरीका में हमारा अंदर घुस जाएगा वो भी डिस्कस किया याद है ना किस किस प्रकार का अहंकार हमारे अंदर घुस जाएगा ओके और लेट अस कम सब्जेक्ट थैंक थैंक यू यू यस सो हम ये चीज मालूम हो गई एक्चुअली मन बाहर का चीज अपना करेगा और ये मन ये अपना करने में वो एक्चुअली किसी को स्पीकर ऑन है उसको म्यूट करिए सबका एक बार चेक करो सबका स्पीकर म्यूट है ये और नहीं हॉर्न का साउंड सुन रहे जोशी जोशी सर आपका म्यूट करो ओके फ्रेंड्स लेट अस कम टू द सब्जेक्ट ये मन अपना सेवक से सेवा लेने के समय हमारा मन ये चीज तो भूल जाएगा कि वो भी एक सेवक है इस इंद्रियों से काम करवाना पूरा लेने के समय धीरे 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 वो क्या वो भूल गया कि वो एक सेवक है और वो ऐसा बन गया कि आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी अब ये पूरा जीवन का ये पूरा यान आत्मा का यान का, ओनर कौन बन गया इस लाइफ टाइम में बिना मालूम होकर मन ओनर बन गया क्योंकि ये सेवक से सेवा करवाते करवाते वो करो ये करो ऑर्डर दे रही है ना ये मन के द्वारा ऑर्डर दे रही है और बाहर का नॉलेज को लेने का समय वी फर गॉट माइंड इज अ सर्वेंट माइंड इज ऑल्सो ए सर्वेंट और जब ये मन सर्वेंट का जगह भूल गया और इसमें क्या आता है ईगो ईगो भी जोड़ी हो गया अहंकार का बात मालूम है अहंकार का पहला काम है पावर ये पावर 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 के पावर मांगना कब जब ये मन सोच गया आई एम ओनर आई एम एवरीथिंग ऑटोमेटिकली स्टार्टेड टू गेट पावर ये पावर क्या करेगा आपको अपने से दूर करेगा ओके okay. और अपने लोग से दूर होने की वजह से हम क्या बन गया हम सोच रहे वी आर ग्रेट इसलिए मैं वैसा हूं हम सोच रहे एक राजा जैसा बट थोड़ा देर के बाद पता चलेगा कि हम अकेला हो गया वी आर एलोन थोड़ा दिन के बाद मालूम हो जाएगा बहुत लोग को कब मालूम होता है ये चीज मालूम धीरे धीरे उनका का आंक दिखना कमजोर हो जाएगा सुनना कमजोर हो जाएगा बाहर का चीज अच्छा से सुन नहीं पा रहे बाहर का चीज देख नहीं पा रही इस इंद्रियों हम काम नहीं कर पा रही है ओल्ड एज किस चीज ने एक्चुअली uh, क्या ओल्ड एज नहीं है हम जानबूझकर अपना मन का आदतों की वजह से मन का स्थिति की वजह से उसको इनवाइट कर अपने जीवन में ओल्ड एज को लाकर कर रखकर उसी में गिर जाकर तब हमको पता चलेगा हम अकेला हो गया इसलिए इसका पहला अवेकन होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरा मन का एक प्रभाव है क्या है मन का प्रभाव मन को इस बाहर से अंदर ज्ञान लेने के समय दो ही विषय में याद रहेगा वो दो प्रकार का लेता है एक पेन एक प्लेजर मतलब कुछ भी दर्द तो मतलब इट विल विस्टिंग टू थिंग्स ऐसे इसमें दर्द है इसमें अच्छा है ये अच्छा बुरा अच्छा बुरा नहीं तो ये मुझको अच्छा लग रहे ये मुझको ये दोनों का स्थिति का बिना देखना अब तक हम मन को ट्रेनिंग नहीं दिया वो ट्रेनिंग भी जरूरी है बट एनी वे वी आर गेटिंग धीरे धीरे अपना मन को चेंज करना शुरू किया और ये अहंकार के बात आ गया तो देखो फ्रेंड्स रूमी एक वेरी ग्रेट आध्यात्मिक मास्टर ही सेज आई एम नॉट द ड्रॉप इन द वॉशन वॉशन इज इन द ड्रॉप इट इज मी मतलब मैं एक बूंज हूँ बट मैं ये बूंज वोशन का अंदर एक डॉट नहीं मैं ही सब कुछ वो समंदर है इस बूंज में पूरा समंदर है एक्चुअली एक पानी का बूंज है वो वैसा जाने का समय हर हर हमको मालूम है हर एक रिवर हर एक वाटर सोर्स एक लास्ट समंदर में मिल जाएगा जैसा वो समंदर में जाने के समय ये पानी का बूंज सोचेगा तो अरे मैं इस समंदर में नहीं जाऊंगी इस समंदर में जाए तो मैं अपना स्थिति को 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 जाना पड़ेगा मैं मेरा जैसा नहीं रहूंगी मैं खुद नहीं रहूंगी तो मैं क्यों समंदर में जाना मैं अकेला रहूंगी सोचे तो उसको कोई भी याद करना है बाबा आप समंदर में गए तो वो पूरा समंदर आप बन जाएगा इधर आप एक पानी का बूंज है उधर एक आप एक महासमंदर है मतलब अपने आप को जाने वजह से क्या होता है सर्वम आप ही हो जाएगा इजी वे मैडम इजी वे बता दो इसको इस लेवल में मैं आगे जाना कैसा है बोलने से मैं क्या बताऊंगी ईगो को अहंकार को मिटा दो वेरी सिंपल वे में बोलना वेरी इजी है ना मैं बोलूंगी अहंकार को कट करो बस करने का समय पता चलेगा इसका वर्कआउट करना पड़ेगा अदरवाइज वो पानी का बूंज जैसा बाहर ही रहना पड़ेगा ये अहंकार ये मैं मैं क्यों जाना है वो समंदर में क्या मिलना है क्यों मिलना है ऐसा सोचने के बिना एक बार अपने चीज को छोड़ दो और पूरा खोल कर देखो तब पता चलेगा अरे बाबा मैं इतना बूंज नहीं है ये पूरा समंदर में हूं आइडेंटिटी को मिटाना पड़ेगा तब समझ में आ जाएगा पूरा आप ही है जब तक ये आइडेंटिटी का मास्क पहनकर रहेगा यू विल सी ओनली यू आई एम सुवर्ण आई एम राधा आई एम दट आई एम दिस आ गया तो मेरा आ जाएगा मेरा फैमिली मेरा ड्रेस मेरा परिवार मेरा घर मेरा आ गया तो इसको कैसा ठीक से रखना कोई को जाएगा क्या मेरा फैमिली बच्चों में टीक से जाएगा फ्यूचर का डर अटैचमेंट क्यों अटैचमेंट आ जाएगा क्योंकि डर की वजह से किसी को फ्यूचर नहीं मालूम इसलिए अटैचमेंट रहता है पकड़ पकड़ कर रहता है बच्चों को क्यों पेरेंट्स पकड़ कर रहता है फ्यूचर क्योंकि हम सबको फ्यूचर के बारे में मालूम नहीं इसलिए ज्यादा पकड़ कर खींचता है पैसा को क्यों पकड़ कर रहता है डर है फ्यूचर के एक बार लास्ट फ्यूचर देखे तो स्मशान में मरने के बाद सब सब कुछ छोड़कर जाना है वो फ्यूचर मालूम हो गया तो इधर धीरे धीरे सब चीज पता चलेगा कैसा व्यवहार करना बट उधर तक हम देखेगा ही नहीं सो so, ये अटैचमेंट मतलब देखो अपने को छोड़ने का हम डरता है अपने को छोड़ने के लिए हमको अच्छा नहीं लगता इसके लिए अटैचमेंट आ गया अटैचमेंट की वजह से मोह आ गया हर दिन मेरा 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 सोचे तो क्या हो जाएगा मोह में जाएगा जैसा मोह आ गया किसी को देने के लिए लोभ दे नहीं पा रही है किसी को कुछ दे नहीं पाएगा लोभ आ गया कोई जबरदस्त लिया तो क्रोध आ गया को दिया तो दुख आएगा दर्द आएगा सो so, ये सब चीज के लिए क्या है क्या वर्ड रख दिया मतलब अज्ञानता इग्नोरेंस इग्नोरेंस इज द काज ऑफ एवरीथिंग दिस इज व्हाट ऑल द महर्षिस पत्री जी और ग्रेट मास्टर्स सब लोग क्या बता दिया ये इग्नोरेंस इज द मेन काज डर है खुद को खोदने का डर है बट एक स्थिति को छोड़ दिया तो दूसरा स्थिति पाएगा ये चीज सब लोग भूल गया फॉर एग्जाम्पल मेरा छोटा का समय फोटो देखकर थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास एलकेजी में मेरा स्कूल फोटो देखकर मैं तुरंत पहचानता हूं ये मैं हूं कोई मुझको बताने का जरूरत नहीं यस आर नो कोई फोटो में आप किधर है बोलने से मैं तुरंत दिखा दूंगी ये मैं हूँ बट मेरा चेहरा के बगल में वो रखे तो वो अलग है मैं अलग दिखता हूं मैं तो खुद पहचानता हूँ वो मैं हूं मतलब जब से पैदा हो गया मैं मेरा रूप बदलते रहेगा है ना ये बाहर का रूप कितना भी बदलो मैं अपने को पहचानता हूं कि ये मैं हूं मतलब बदलना जरूरी है सब चीज चेंज होते रहेगा यदि मैं वही स्थिति पर वो एल का समय में कैसा हूं वैसा ही रहूंगी मैं नहीं बदलेंगे बोलने से, प्राप्त नहीं होगा अब मैं कैसा हूं वैसा नहीं रह पाएगा मतलब एक को पाने के लिए एक को छोड़ना पड़ेगा दट इज लॉ ऑफ दिस स्पिरिट द लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स जीवन का कुछ नियम है और हम क्या हमको अहंकार हम हमारा अपना नाम अपना चीज को छोड़ने के लिए बहुत डरता है दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस किस चीज आपका जीवन में हो रही है उसी चीज को हम समझ में नहीं हमको समझने नहीं आ रही है समझ में नहीं वो चीज समझ नहीं सकता क्यों नहीं सकता क्योंकि हम अज्ञानता में है आत्मज्ञान हमारे अंदर कुछ भी नहीं क्यों नहीं है ये मन ऑफिसर बनकर बाहर देखना देखना देखने में वो दूर चला गया बाहर ही अंदर को भूल गया वो फरगोट वो भूल गया कि वो एक इन्फॉर्मर हो बाहर से अंदर के देने के लिए वो बाहर ही चला गए अंदर भूल गया जब वो अंदर देखे तो तब उसको याद आएगा अरे आई एम कनेक्टेड टू माई ओनर इज नॉट आई किस चीज ने मैं सबको बता रहे आई एम एम दिस आई दैट ये असली आई मैं नहीं मेरा वोनर पीछे है और वो ओनर को भूल गया तब क्या होता है धीरे 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 अपना मूल चैतन्य स्थिति द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस हमारा असली तत्व से हम कट होकर बाहर घूमते रह रहे सो so, अब क्या करना इस अहंकार को पकड़कर इसको खींच कर इसका ऊपर एक निगाह रखना एक पोलिस नहीं आर्मी को रखना पड़ेगा अहंकार के पास ये कभी भी जुआलिटी आ गई है तो इसको शूट करो बोलना पड़ेगा इतना स्ट्रिक्ट रूल्स रखना पड़ेगा अपने आप का ऊपर ये किसी चीज दूसरों का रखने के लिए नहीं याद रखिए हमको ऐसा लगता है कोई भी अच्छा बात सुनने का समय अरे बाब मेरा हस्बैंड सुने तो अच्छा रहेगा मेरा वाइफ सुने तो अच्छा रहेगा मेरा मम्मी देखना है विचार तो तुम नहीं कर सकते कौन कौन लेने के लिए रेडी हो गया उनके पास ज्ञान आएगा समझ गए किस व्यक्ति ने संपूर्ण रूप से तैयार हो गया बदलने के लिए उसके पास नॉलेज आएगा वो लोग का समय है आ गया तो उन लोग को भी पास आएगा ये एक समय में क्या बोला एक सीनियर uh, मास्टर एक सर आ गया जैसा ही डिस्कशन का समय अरे वो आदमी नहीं बदल रहे ये सब चीज वो सुन गया तो बहुत अच्छा बदल जाएगा तो वो मास्टर ने बोला अरे मैडम ये सब चीज आपके पास आ गए तो शायद आप बदलने के लिए वो लोग नहीं मेरे पास आ रही है तो मेरे लिए उनके पास गए तो उनके लिए हर समय ये सब्जेक्ट मेरे पास ही क्यों आ रही है मतलब ये ये हमारे लिए, आज क्लासेस हम क्यों कर रहे हैं ये अपने लिए इंपॉर्टेंट अपन अपने बदलने के लिए हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हर समय याद रखो ऐसा दिखाकर काम करो तब मन और अहंकार ही स्टेबल में रहता है समझ गए दूसरा एक एग्जाम्पल जनरली हाउस में वैसा ही होता है जैसा बच्चों बहुत अच्छा काम कर रहे अरे मेरा बच्चों देखो कितना अच्छा काम कर रहे बोलते है यदि कुछ भी ठीक नहीं वो लोग हल्ला हल्ला कर रहे कुछ तो कर रहे उच इज नॉट गुड इमीडिएटली वी से आपकी वजह से ऐसा हो रही है आपका परवरिश अच्छा नहीं आप बहुत फ्रीडम दिया आप बहुत ये कर रहे प्यार कर रहे इसकी वजह से बच्चों बिगड़ जा रहे यदि बच्चों ठीक है तो मेरे वजह से कर रहे सी गेम इधर हमको नहीं मालूम ये भी ईगो है बट ईगो गेम ऐसा ही रहेगा जियालिटी वाइफ हस्बैंड को बोलेगा हस्बैंड वाइफ को बोलेगा आपकी वजह से आपकी वजह से बट भूल गया बच्चों का परवरिश दोनों की वजह से होता है समझ गए ये so, का बात ऐसा ही रहता है इसलिए अहंकार को पकड़ना थोड़ा ध्यान से रहना मैं हर बार इसलिए इतना स्ट्रेस अहंकार के पास क्यों इतना अलग अलग एग्जाम्पल से बता रही क्योंकि अहंकार को पकड़ना थोड़ा मुश्किल का बात है हाँ अब ये मन और अहंकार को अच्छा से रास्ते पर रखने के लिए हम दूसरा ये किया ये दोनों के साथ और एक ऐड किया बुद्धि कल हम थोड़ा डिस्कस इसके ऊपर और बुद्धि का मेंटेलिटी क्या है जजमेंटल वो जज करेगा ये अच्छा भी कर रहे मतलब हम बहुत प्रकार का आउटर सिस्टम पूरा अंदर लेकर आए तो भी ये बुद्धि कुछ तो एक तो सेलेक्ट करेगा और बुद्धे कर्मानुसारे इधर थोड़ा एक पॉइंट बताना है तो एक, एक दिन पत्री जी ने बहुत अच्छा बोल दिया सर कर्म पहला आएगा और पिछले जन्मों का कर्म की वजह से आज का काम आज का चीज हम ले रही है क्या है कर्म है और फ्रीविल और सार ने बोला फ्रीविल आप किस काम आप सोच कर किया उस काम से आने वाला कर्म से वो फल से फिर कर्म शुरू हो रही है। वी ऑल आर फ्री विल बीम्स क्योंकि बुद्धि है इसलिए इस बुद्धि से कैसा डिसीशन इसलिए बुद्धि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं एक चीज फिर बता रहे ये बुद्धि में कैसा डिसीजन ले लिया ये कैसा जजमेंट दिया इंटरनली बाहर का जजमेंट छोड़ो इंटरनली आज मैं क्लासेस ट्वेंटी लेना चाहता हूँ ऐसा डिसीजन लिया यदि नहीं लिया तो ये दोनों मेरा ऊपर डिपेंडेड है ये मेरा फ्री विल है ये क्लासेस लेना नहीं लेना यदि मैं नहीं लिया तो एक अलग बात है एक अलग वे में रास्ता रहेगा आपका भी कुछ अलग काम करता है शायद मैं अलग काम करता हूँ यदि मैं क्लासेस लिया हम ऐसा क्लासेस बात बोलना सुनने में है मतलब मैं से एक तो चुन लिया और एक एक्शन बाहर आ गया और इस एक्शन की वजह से इसका कर्म और इस कर्म से क्या कर्म मेरा साथ हो रहा इससे कुछ फल मिलता है अगेन इट विल क्रिएट नेक्स्ट स्टेप इसलिए बुद्धि इज इंपोर्टेंट और कभी कभी ये बुद्धि भी गलत हो सकता है हर समय हम सही डिसीजन ले रहे ऐसा गारंटी नहीं वैसा ही है तो इतना चीज इतना जन्म इतना दुख और इतना सब चीज नहीं रहेगा हम सोचना एक है होता है एक है है ना So, कभी भी कभी कभी ये बुद्धि भी गलत हो सकता है क्योंकि बुद्धि इज आल्सो वर्कर इट इज नॉट द मैनेजर ये भी सर्वेंट है इंटरनल सर्वेंट अंतकरण ये भी एक अंतकरण में पार्ट है और ये बुद्धि से कुछ भी काम डिसाइड हो गया हमारा मन से हो गया हमारा अहंकार साथ दिया ये सब मिलकर एक तो रिजल्ट आ जाएगा बाहर कुछ तो फल आएगा अच्छा हो बुरा हो साइड रखो हर एक चीज के लिए कुछ तो फल बाहर आते रहेगा ये गारंटी है क्योंकि फर्स्ट डे हम बता दिए एक्शन टू रिएक्शन, इधर का लॉ है एक्शन टू रिएक्शन एक पत्थर फेंक दिया किधर ना किधर वो लगता है वो डिस नहीं होता हवा में जाकर डिस नहीं होता शायद हम देख नहीं पाए बट किधर तो लगा है ऐसा ही मैं तो एक्शन कर दिया इस शरीर से मन से इस इंद्रियम को कुछ भी ऑर्डर आ गया करने के लिए वो बुद्धि को चुनकर आता है बाहर बुद्धि के पास जाएगा बाय बाय सर वी आर गोइंग आउट मन क्या करेगा बुद्धि के पास जाएगा अरे आई एम ये काम हमें दे रही है और बुद्धि ग्रांटेड yes, अभी बाहर आ गया ये बाहर आने के बाद क्या रिजल्ट मिल गया कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मतलब नोइंगली मन के साथ इस शरीर को साथ कुछ भी हुआ क्या क्या होता है जनरली शरीर के साथ सोच त्रिकरण मतलब थ्री टाइप्स विल हैपन विद बॉडी क्या क्या है तीन इस शरीर के साथ तीन चीज बाहर आता है एक तो वर्ड्स थॉट्स एक्शंस सबका शरीर के साथ वो इंडियन हो अमेरिकन हो ऑस्ट्रेलिया हो किधर भी हो जंगल में हो नहीं तो अंडमान में हो कोई भी इंसान के साथ तीन चीज बाहर आता है अच्छा बुरा के बात नहीं जस्ट व्हाट आर द थिंग्स वर्ड्स थॉट्स एक्शंस ये तीन चीज बाहर आने के समय बुद्धि इज रेस्पॉन्सिबल अवर इंटेलेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल एक बार बाहर आ गया तो उसके बाद वो मतलब पत्थर छोड़ दिया फेंक दिया इसका रिजल्ट कैसा फल मिलता है वो फल कौन ले रही है हम ही ले रही है और ये क्या क्या लिया ये चीज वॉट वी टुक एज बार अनोइंगली गया तो एक्शन आ गया तो उसका रिएक्शन ऑटोमेटिक अपने स्टोर हाउस में स्टोर हो जाएगा वो स्टोरेज हाउस क्या है चित अपने अंदर चार अंतक का चीज क्या है वो स्टोरेज हाउस है चित इस चित में सब चीज स्टोर्ड कोई भी हम सोचता है कोई नहीं देख रहे मैं ऐसा कर सकता हूं और हमारा बड़ा लोग बोलता है कोई नहीं देखे तो भी एक परमात्मा देखते रहेगा कौन है वो परमात्मा वो स्टोरेज वो कौन सब चीज लिख कर रख रहे हैं अपना सिस्टम को कोई है वो क्या है कि चित्त इस चित्त को हमारा एंसेस्टर्स ने हमको चित्रगुप्त मृत्यु का समय ये पूरा चिट्टा पूरा लिस्ट ऐसा निकलेगा एक्चुअली मृत्यु के बाद और निकलेगा मृत्यु का समय भी हमको हरे का आत्मा मरने का समय उसका पूरा चीज याद आता है मरने के बाद किस पर्पस के लिए गए वो भी याद आता है और ये याद आ गई यह चीज फिर इधर चित्त के बारे में मालूम जब हम ले रहे थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा क्यों है ये चित्त का काम क्या है गुप्त चित्र गुप्त चित्त गुप्त मतलब सीक्रेट सीक्रेट एजेंट हम क्या किया एक जेम्स बॉन्ड एजेंट को रख दिया किधर अपने अंदर रख दिया जैसे ये मास्टर ब्रेन है ना यूनिवर्सल माइंड मास्टर माइंड है इसलिए अरे मैं सबका चीज सबके बारे में पीछे पीछे पढ़कर इतना लोग को कैसा देखू सबके लिए एक जेम्स बॉन्ड एक सीक्रेट एजेंट को अंदर रख दिया भगवान ने वो सीक्रेट एजेंट कंप्लीटली ट्रूफुल रहेगा वो किसी का पैसा नहीं लेगा किसी का कुछ नहीं लेगा वो उनका सरेंडर होकर काम करेगा ये सीक्रेट एजेंट है, उनका काम एक ही है आप कुछ भी करो आई विल नोट कुछ भी करो इसलिए वो सीक्रेट एजेंट कौन है चित्र गुप्त चित्र इस गुप्त चित्र को चित्रगुप्त भी बोलता है एस्ट्रल रिकॉर्ड्स भी बोलता है एस्ट्रल रिकॉर्ड भी बोलता है और इसमें क्या रहेगा पूरा अपना डेटा रहेगा किसका डेटा इस जन्म का पिछले जन्मों का भी इस डेटा इस जन्म का ही नहीं पिछले जन्मों का डेटा भी अपने अंदर ही रहता है इसलिए कोई भी अरे ये 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 बर्थ बर्थ आ आ गया आ गया किधर से टैलेंटेड है हम ये बात बहुत सुनता है ना मेरा छोटा कोमर से मुझे को ड्राइंग पसंद है मेरे को छोटा को उम्र से ये चीज से डर है ये किधर से ये सब चीज ये वासना बोलता है मतलब पिछले जन्मों का कुछ इमोशंस कुछ फीलिंग्स अभी भी हम कैरी आउट कर रहे कैसा कैरी आउट कर रहे क्योंकि वो अंदर स्टोर हमारा बुक में सब चीज है ये सब चीज कब बाहर आ जाएगा ये चित्त के साथ जब हम अपने जीवन में चलते रहेगा कुछ चीज चलता है कुछ चीज काम में आ जाएगा अभी कोई भी देखो मैम बहुत लोग हम जनरली मन बुद्धि आत्मा के बारे में बात करता है अहंकार और चित अंदर वे में काम करता है ये एक्चुअली ये चित को सबकॉन्शियस माइंड भी जैसा भी हम मान सकता है सोच सकता है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड सब चीज सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा वन वे सबकॉन्शियस माइंड इज द पार्ट ऑफ दिस चित्त रिकॉर्ड इट इज ए बॉक्स ऑफ रिकॉर्डिंग और जनरली ये चित्त क्या करता है ये रिकॉर्ड्स की वजह से क्या होता है एक बार देखना पड़ेगा वाई दीज रिकॉर्ड आर देर इसकी वजह से ये ऐसा करने के लिए जरूरत क्या मैम ये सब रहने से क्या होता है लॉफ कर्मा ये लॉफ कर्मा किधर से लॉफ कर्मा एक्ट हो रही है ये रिकॉर्ड्स देखकर एक्ट हो रही है ये कंपनी का ओनर कौन है आत्मा है ना ये आत्मा जब काम में है पूरा सब लोग काम कर रहे मरने तक ये मन अहंकार बुद्धि चित्त इंद्रियम सब चीज काम करते रहेगा अपने काम वो करते रहेगा ये मरने के बाद क्या होता है एस बॉस वो पर गया और जाने के बाद अरे क्या क्या किया मैंने थोड़ा रिकॉर्ड लो मेरा ऑफिसर ने आराम से बैठे ना उस समय कोई काम नहीं थोड़ा देर रेस्ट लेकर मेरा रिकॉर्ड लो मैं देखना चाहता हूँ पूरा कंप्लीट हो गया नहीं क्या क्या किया पूरा एक लाइफ टाइम एक, एक चैप्टर जैसा देखो एक इसमें क्या क्या हो गया पूरा रिकॉर्ड स्टडी करेगा तब आत्मा कर आराम से मरने के बाद मैं सुवर्णा नहीं हूं अब मैं अपना रियल स्टेट ओनली बिग आई इज देर स्मॉल आई को छोड़ दिया इसलिए मन नहीं है तो अहंकार भी नहीं है बुद्धि भी नहीं है चित्त को कोई काम नहीं है मन है तो सब कुछ मन नहीं है तो कुछ भी नहीं इसलिए जीसस टोल बिकम द चेल्ड टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड बच्चों को मन नहीं रहता बड़ा लोग का जैसा पांच साल ऐसा पार करते रह रहे अभी का बच्चों तेज है इसलिए जल्दी मन को भी पेरेंट्स करे, ये बच्चों को मन को बड़ा करने वाला फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स अभी भी मैं सुनता हूं मेरा भैया का बेटा बेटी वो बोलता है कुछ काम किया मम्मी पापा ने किया पाप, पापा मतलब तेलुगु में गुड़िया 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 ने किया मम्मी वो खुद कर कर मम्मी गुड़िया ने देखो गाना गा रही है मम्मी गुड़िया ड्रेस पहना उसका नाम है देवी और मम्मी देवी नहीं बोलता कुछ नहीं ये गुड़िया बोलता है उनका हिसाब से वो देखने से ये एक डॉल है उनको अभी पहचान नहीं है वो दो साल आ गए उनका पहचान नहीं कि वो वो ही वो गुड़िया वो अलग है ये अलग जैसे देखते रहेगा उनको मन अभी शुरू नहीं हुआ जैसे धीरे धीरे मन शुरू होता है मेरा अपना ये मैं हूं ये मेरा हूं सब चीज मैं देवी हूं ये चीज भी मैं सुवर्णा हूं मतलब अब तक मैं गुड़िया जैसा ही खुद को देख रहे और धीरे धीरे मैं क्या होता हूँ मैं ये बोलने वाला कौन है पेरेंट्स एक पहचान के लिए इसका पहले क्या होता है जैसा मेरा छोटा का समय रिसेंटली मेरा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लिखा तो उधर नेम नहीं है नाम नहीं तब मेरा पापा से पूछा मेरा नाम कब्र का है बेटा नाम बाद में सेलेक्ट किया बहुत दिन के बाद रखा है और अभी का कैसा है पेट में जब बच्चा है तभी नाम शुरू कर रहे ये नाम से और अंदर से यू आर यू यू वो नाम से पुकारना भी शुरू कर रहे पहला से आइडेंटिटी देना शुरू कर रहे यू आर दट यू आर दट यू आर दट जब मन नहीं है अहंकार का बात ही नहीं है बुद्धि का काम नहीं है मन कुछ किया तो है ना बुद्धि का काम किसको मन नहीं रहेगा नहीं रहेगा मतलब पागल नहीं वो बात नहीं मन कभी भी स्थिर में अच्छा से रहता है वो लोग चेल्ड से समान है बच्चों में जैसा है एक एनलाइटेड पर्सन भी बच्चों में जैसा रहता है एक बच्चा भी बच्चों में जैसा जानवर भी बच्चों में जैसा इसलिए जानवर को कर्म नहीं बुद्धा को कर्म नहीं है ना लाभ कर्म नहीं है वो लोग को किधर मन है उधर कर्म रहता है सो so, चित्त के पास आ गया तो उधर आराम से बैठ गया पूरा रिकॉर्ड को लिया वो पिक्चर जैसा मूवी जैसे डाल रहे हाँ हाँ मेरा पास्ट जन्म में ये ये बच गया इसके लिए फिर गया और ओ ऐसा किया कहानी में ट्विस्ट देखता है हम गया एक चला गया एक तब कौन है इसका जिम्मेदारी फिर आत्मा बोलेगा वन मोर चांस वन मोर चांस ये रिकॉर्ड पूरा लाओ इस बार पूरा रिकॉर्ड का मैं देखकर काम करूंगी फिर चित्त और रिकॉर्ड पकड़कर नेक्स्ट लाइफ ये का काम का रिकॉर्ड को पकड़ना रिकॉर्ड को प्रिंट लिखना कॉपी करना और वो आउट देना पड़ेगा एवरी मोमेंट एक दिन पत्री जी ने बोला है 2012 आई थिंक 2012 उस समय ही इसका पहले मेरे नेटिव प्लेस में एक क्लास हुआ वो क्लास होने के बाद रात में सब लोग पत्री जी से बैठकर बात कर रहे और पत्री जी ने ऐसा बोला है कि देखो 2012 में मैं सबके रिकॉर्ड्स देखने वाला हूँ और सबका ऊपर एक मास्टर को रख दिया वो मास्टर मुझको आपका रिकॉर्ड भेजेगा कैसा बात कर रहे वैसा आप अंदर है मतलब कैसा बाहर है वैसा अंदर है तो टिक अंदर एक बाहर एक है तो इंटू और किसको टिक हो गया वो लोग सब मेरे साथ रहेगा किसको इंटू हो गया वो छोड़ने वाला हो वो कौन है वो मास्टर टिक अंदर बाहर एक ही है और नहीं दिखाने वाला मास्टर कौन है हमारा चित। चित्त चिट्टा खोल दिया तो सब चीज बाहर आ जाएगा समझ गए इसलिए बहुत केयरफुल रहना बहुत केयरफुल रहना कोई हमको नहीं देख रहे का बात नहीं है इधर नींद में भी उठने का बाद भी चलने का समय पूरा छोड़कर गुफा में रहो तो भी एक है लिखने के लिए तो भी एक है पकड़ने के लिए वो है चित्र गुप्त चित्र So, ये अपने काम वो करते रह रहे और ये अंत कर्ण का इस चार अंत कर्ण को मिलकर हम मन जैसा ए बिग माइंड दिस इज माइंड इस माइंड शरीर नहीं शरीर से और बड़ा है माइंड इज बॉडी माइंड इज मोर देन द बॉडी और ये चार अंतकर्ण को ये चार को फिर क्या क्या करना है इसको कैसा सेट करना क्योंकि ये इतना गहराई में जाकर देखे तो उतना इजी रहेगा हमको आज ये चीज भी डिस्कस कर उसके बाद इस सेक्शन को क्लोज करेगा मन को अभी मन ये सबका क्वालिटीज देखा है क्या है मन संकल्प विकल्प के साथ रहता है और इंद्रियों के साथ रहता है उसी ज्ञान से वो अंदर लिस्ट देगा अहंकार पावर जुआलिटी में रहता है जुआलिटी की वजह से सेपरेशन और अहंकार की वजह से मन से अहंकार जुड़ने की वजह से क्या होता है काम क्रोध लोग मधमाश्चल्य और ये सब की वजह से मन अहंकार की वजह से क्या होता है डर पैदा होता है और एक स्पिरिचुअलिटी और एनी पर्सन become a spiritual person, डर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी डर गया तो मर गया सीधा सीधा बात है इफ यू आर फियर वी आर नॉट फिट टू द स्पिरिचुअलिटी अंधेरा उजाला एक ही जगह नहीं रह पाएगा उजाला चाहिए तो अंधेरा को मिटाना उजाला ला कर रखो अंधेरा अपने आप जाएगा किधर किधर डर है पकड़ो हम नेक्स्ट क्लासेस में ये डर को कैसा पकड़ना डर का ऊपर कैसा काम करना ये वर्कआउट करेगा विल गो अगेन बहुत दिन है हमारे पास सो so, बाद में क्या है बुद्धि बुद्धि का काम का जजमेंटल अंदर का बाहर का पूरा जजमेंट बुद्धि की वजह से होता है और ये बुद्धि भी हर समय सही रहता है मतलब वो भी गारंटी नहीं और बुद्धि कर्मानुसार है और इस कर्म का आ, पूरा एक्शन रिएक्शन का फल किधर रहता है मतलब हमारा पूरा फाइल चित्र गुप्त के पास है गुप्त चित्र के पास है चित्त के पास है गो देर और ये पूरा मिलकर अपना इस लाइफ का गेम चलते रह रहे दिस इज द लाइफ गेम और ये मन को ये क्वालिटीज है इधर मन को थोड़ा सा फर्स्ट क्या पकड़ना क्या है मन को क्या ट्रेनिंग दिया तो कैसा ट्रेनिंग देना पड़ेगा मतलब मन को ट्रेनिंग प्रेजेंट में रखना व्हाट मन के साथ क्या करना है इतना बड़ा रेस्पॉन्सिबल पोजीशन है कितना बड़ा पावर दिया उतना ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा ना अभी प्यून का जगह काम कर रहे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल नहीं हेड ऑफ द मैनेजर हो रही है किसी को भी अपग्रेड दिया प्रमोशन दिया तब उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा क्योंकि पावर बढ़ गया वैसा ही मन को इतना पावर दिया और ये मन को क्या करना है फोकस सिखाना और प्रेजेंट में रखना सिखाना पड़ेगा मन को बी इन प्रेजेंट क्योंकि मन हर समय किधर किधर घूमते रहेगा पास्ट और फ्यूचर पास्ट और फ्यूचर पास्ट और फ्यूचर इसको प्रेजेंट में रखना है मन को सिखाना है प्रेजेंट 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 सिखाना पड़ेगा चलते रहेगा मन किसी चीज को पकड़कर इधर पकड़कर दूसरे दुनिया जाएगा इसको खींच कर फिर प्रेजेंट में छोड़ना मन से ये वर्कआउट करना पड़ेगा हर बार याद रखना है इसको वर्कआउट करना बोल दिया मतलब नहीं, चाहिए तो कुछ भी सिस्टम अप्लाई करो फोकस ऑन द थिंग्स मन को प्रेजेंट में रखना है ये प्रेजेंट में रखने के लिए लिखो कुछ कुछ टेक्निक्स यूज करो इस प्रेजेंट में रखने के लिए ही हम स्टार्टेड मेडिटेशन सबका दवाई मेडिटेशन है सर्व रोग निवारिणी मेडिटेशन एक टेक्निक है और ये प्रेजेंट सिचुएशन को सीखने के लिए लिखो आप काना बनाने के हर एक औरत उधर लिखो मतलब काना बनाने के समय ऐसा देखता है ना हमारा आंख के सामने बी इन प्रेजेंट हर जगह लिखो किधर किधर आप ज्यादा समय टाइम स्पेंड करेगा टीवी का ऊपर लिखो कौन सीरियल्स और टीवी देखते हैं देखो एंजॉय करो उधर लिखो बी इन प्रेजेंट जैसा टीवी देखने का समय थोड़ा उस एंगल पर गया इमीडिएटली बी इन प्रेजेंट स्मरण देख देख कर देख देख कर देख देख कर देख देख कर हमारा मन को स्टोरेज हो जाएगा आदत बनेगा इसलिए बीन प्रेजेंट मन को सिखाना पड़ेगा और अहंकार के पास आकर अहंकार को क्या करना है अहंकार को क्या सिखाना है अहंकार के साथ कैसा व्यवहार करना मतलब अहंकार को कभी भी जीरो में रखने का आदत करो ऐसा अहंकार उठते जाएगा यू आर जीरो बेटो जैसा सांप को वो साउंड सुनने से ऐसा उठेगा ना ऐसा ही कोई भी आकर मैडम यू आर सुपर इमीडिएटली इमीडियटली मेरा अंदर से अरे बाबा बेटो 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 इतना जरूरत नहीं कितना ऊपर जाएगा उतना गिरेगा भी दर्द ज्यादा रहता है साइलेंट जीरो पत्री जी टोल्ड मी फर्स्ट वर्ड्स वर्क लाइक हीरो बी जीरो हर समय मुझको याद रहता है मेरा अंदर ने आवाज ने कुछ भी सिचुएशन में वो बोलता रहेगा बिकम जीरो बिकम जीरो बिकम जीरो एक बढ़िया सा काम किया खुशी रहता है और ज्यादा खुशी होने के समय अंदर से एक आवाज आ रहेगा बस ओके बी जीरो हो गया ना जीरो जीरो जरूरत है जरूरत है सो so, अहंकार को सिखाना ही वी आर जीरो जीरो स्थिति को कैसा अपनाना कैसा रहना उसको अपने अपने प्रैक्टिस हर एक व्यक्ति उनका दिमाग से प्रैक्टिस करना है किस प्रकार में हम अपने बात को सुनता है वैसा उस जीरो को याद करना मेंटेन करना इस जीरो स्थिति में रहने के लिए एवरीथिंग इज प्रैक्टिस माय डियर फ्रेंड्स हो जाएगा किस चीज ने हम ज्यादा ज्यादा अंदर बताते रहेगा वो चीज हो जाएगा इसलिए एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा एक दूसरों से जब ये एक्सपीरियंस शेयर करता है पहला मुझको डाउट आता था क्यों हम एक दूसरों से हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलता है पत्री जी ने बहुत बार बोलता है शेयर योर एक्सपीरियंस टू एवरीबॉडी ऐसा सब लोग को बोलता है ऐसा क्यों करना है बट एक दिन मुझको आंसर मिल गया जब ये एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करता है दो चीज हो रही है ये एक, ऐसा एक्सपीरियंस भी रहता है ऐसा चीज सबको समझ में आ रही है क्योंकि हर समय हमको मन क्या करता है अपना एक सर्किल बनाकर उसी में रखता है अब कोई आ, कोई भी ये जोनल लिविंगस्टन सीगल वो बुक पढ़ाई के उसको मूवी भी है देखे तो वो सीगल पक्षी हर समय सोचता है कि मैं इतना दूरी चल सकता है क्योंकि उसका जाति पूरा उधर तक ही चलता है बट एक पक्षी ने सोचता ऊपर ईगल सबसे ज्यादा हाइट में चल रहा है मैं क्यों उस, उन, उनका जैसा उनको भी दो पंख है मेरा भी दो पंख है वो जैसा चल रहे मैं क्यों नहीं चल पा रही है मैं भी कोशिश करता हूँ वैसा 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 वो प्रैक्टिस कर बियॉन्ड लिमिट्स चलना सीखेगा बहुत बढ़िया स्टोरी है डॉक्टर न्यूटन सर क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी सर वो सर ये बुक पढ़कर उनका एनलाइटमेंट मिल गया एक बुक एक इंसान का जीवन चेंज करता है वैसा उस बुक में क्या है यू हैड दट एक्सट्रीम पावर ओके सो इसलिए हम जॉनदन लिविंगस्टन सीगल बुक का नाम आई विल शो मे बी टुमारो आई विल शो टू यू मेरे पास है सो uh, so, इधर क्या है ये अहंकार कब मिट जाएगा धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा जब एक दूसरों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है हम वही सोचते रहेगा ना मैं ध्यान कर रहे मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअल ईगो को कट करना पड़ेगा ना इसलिए जब कोई दूसरों का एक्सपीरियंस सुना है ऑटोमेटिकली हमारा अंदर ऐसा लगता है वाओ इसको बढ़िया बेहतर एक्सपीरियंस मतलब मेरे से और एक्सपीरियंस है लोगों को अभी अभी आ गए इतना खूब सारा एक्सपीरियंस में इतना सालों से कर रहे बहुत चीज है अहंकार आने के लिए कितना ही? एक सेकंड बहुत सालों से किया पत्री जी के साथ इतना घुमा नहीं तो पत्री जी मेरे में से बहुत प्यार करता है अदरवाइज आई नो बहुत ट्रूथ बहुत लोग मेरे साथ है बहुत फॉलोअर्स है अलग अलग तरीका में आ सकता है अहंकार जब हम एक्सपीरियंस शेयर करता है तभी भी हमारा अहंकार डाउन हो जाएगा सेट हो जाएगा जीरो में रहने के लिए आदत आ जाएगा समझ गए सो so, अहंकार को प्रैक्टिस करवाना जीरो मन को प्रैक्टिस करो प्रेजेंट स्थिति में रहने के लिए कभी भी थोड़ा सा मेरा आ गया तो चुप साइलेंट नथिंग इज मेरा सब कुछ छोड़कर जाना नहीं तो जाकर बरियल ग्राउंड में हर रोज खड़ा करो उधर ले जाएगा ना डेड बॉडीज वो देखकर हमको समझ में आ जाएगा सब चीज छोड़ना है बाबा तब किस बात के लिए पूरा अहंकार डाउन हो जाएगा उस ग्राउंड में वहीग्य ओके सो जीरो मेंटेन करो उसके बाद बुद्धि के पास आ गया बुद्धि को कैसा मेंटेन करना बुद्धि का साथ कैसा व्यवहार करना मतलब बुद्धि अवेयरनेस के साथ रहो क्योंकि बुद्धि इज द पर्सन ऑर्डर यस बोलने के लिए यस yes बोलने के समय थोड़ा अवेयरनेस में रहो हर एक व्यक्ति बुद्धि के साथ कैसा व्यवहार करना मतलब एक ही मार्ग फर्स्ट स्टेप बहुत मार्ग है ये एक बात है क्या है कि कंप्लीट अवेयरनेस व्हाट यू स्पीक व्हाट यू थिंक व्हाट यू एक्ट सोच समझ कर करना दैट इज बुद्धि क्या मैं ये बात बात कर रहे हैं ये सही है अभी कर सकता है नहीं कर सकता क्या है इज इट नेसेसरी नॉट नेसेसरी अंदर यस yes, बोलने के बाद बाहर आना बिना यस हाँ कैसा भी बात करो कैसा भी करो क्या आ गया वो फ्लो में बात करो उसके बाद पूरा कर्म का चित्त क्या है वो लिखना है ना लिखेगा 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 उसके बाद पूरा लेने वाला फिर हम है बुद्धि से व्यवहार करो सोच समझकर बात सोच समझकर विचार सोच समझकर एक्शंस कंप्लीट अवेयरनेस के साथ रहना बुद्धि वो बुद्धि को प्रैक्टिस करवाना अवेयरनेस और ये बुद्धि को और अच्छा से ये होने के लिए श्रवण मनन मतलब श्रवण मतलब सुनते रहना अच्छा अच्छा बुद्धि को हर टाइम अपग्रेड चाहिए बुद्धि को भी इसलिए अच्छे आ, हमको पत्री जी ने वेरी गुड एक्सप्लेनेशन दिया स्वाध्याय सत्संग और ये स्वाध्याय सत्संग से क्या होता है मतलब बुद्धि का विकास होता है जरूरी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्वाध्याय सत्संग जब भी हम कर रहे हैं ये किधर एक्ट हो रही है मतलब बुद्धि का विकास के एक्ट हो रही है ये बुद्धि मन को कंट्रोल करेगा अरे इतना ही काम दो ये काम मत दो और उस हिसाब से शरीर काम करते रहेगा इसलिए बुद्धि है मतलब कुछ भी काम इस बुद्धि से हुआ बुद्धि इज द हेड ऑफ जजमेंटल पर्सन ये बुद्धि इज गिविंग एनदर कर्मा ध्यान बूझ कर रहना इसलिए अवेयरनेस इज

आपको कैसा सेट करो बोलने से क्लियर माइ फाइल्स पूरा फाइल्स को क्लियर करो जाओ सो so, तब क्या करना इधर वेरी गुड थ्री स्टेप्स है मेडिटेशन इज द वेरी ग्रेट स्टेप ध्यान में बैठकर कर्म को सेट कर सकता है और फ्रेंड्स हमारा टाइम होते रह रहे सो so, चित के पास गया तो थ्री स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा वन मेडिटेशन ध्यान ध्यान की वजह से ज्ञान और ज्ञान की वजह से ज्ञानग्नि कर्म दगदानम उधर क्या क्या है लिस्ट में वो सब चीज ज्ञान की वजह से हम सेट कर सकता है उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा वेरी ग्रेट स्टेप एंड हाईएस्ट स्टेप इसका पहले दूसरा भी कर सकता है हर रोज अवेयरनेस के साथ क्या करना फॉरगेट सिंपल में बोलने से भूल जाओ कोई भी गुस्सा किया भूल जाओ हमारे साथ कुछ भी हो गया भूल जाओ कोई किसी भी ये किया फरग्यू क्षमा करो फर्गेट फर्ग्यू एंड मेडिटेशन इस चित्त को अच्छा से काली करना है चित्त को पूरा क्लियर करना है अब चित्त को कोई काम नहीं रहना है तो मेडिटेशन मेडिटेशन में कुछ काम नहीं करेगा इस कर्म को धीरे धीरे कम करना पड़ता है और इसके लिए ओनली टू वे अगेन आई एम रिपीटिंग एंड द ग्रेटेस्ट पाथ इज मेडिटेशन ध्यान और इधर से नेक्स्ट पार्ट कल भी हम इसी के बारे में चित्र से और आगे जाएगा और वी विल क्लोज दिस सेक्शन टुडे अंड मेडिटेशन यस फॉरगेट पहला भूल जाओ कभी भी पूरा कचरा कचरा डालने के बिना बहुत चीज भूल जाने का चीज है देखो यूनिवर्स ने जब हम पैदा हुआ अब तक बहुत चीज याद नहीं रहेगा एक्चुअली वो क्लीनिंग बहुत कर रहे हमारा अंदर बहुत चीज याद नहीं रहेगा बट सिस्टम में याद रहता है ना इसलिए ध्यान से रहो कुछ भी चीज हमारे साथ हो रही है भूल जो बेस्ट थिंग अदरवाइज फर्ग्यू फर्गेट नहीं हुआ तो फर्गिव करो क्षमा करो ये थोड़ा मतलब ये सब थोड़ा बेटर वेस है बट द बेस्ट इज ओनली मेडिटेशन ध्यान क्योंकि ध्यान करने की वजह से प्रेजेंट मोमेंट आ जाएगा ध्यान करने की वजह से अहंकार जीरो हो जाएगा ध्यान करने की वजह से ज्ञान और ज्ञान की वजह से बुद्धि का विकास हो जाएगा ध्यान इज द अल्टीमेट फॉर दिस ऑल अंतक करना सो फ्रेंड्स एनी डाउट्स लेट मी नो कोई भी कुछ भी डाउट्स है तो बता सकता है थैंक यू वेरी मच मैडम ये फियर क्यों रहता है फियर इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस डर डर इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट मृत्यु का डर कल हम कैसा जियेगा उसके बारे में डर बच्चों का जीवन कैसा रहेगा डर उसका परवरिश कैसा रहेगा डर हम बाद में कैसा जिएगा उसके लिए डर हर चीज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस आत्मज्ञान नहीं है तो उधर डर रहता है अटैचमेंट इज द मेन रीजन फॉर फियर किस चीज का ज्यादा अटैच हो गया वो कोने का डर रहता है इस शरीर को छोड़ने का भी डर रहता है बहुत आत्मा को मृत्यु का समय डर किस बात के लिए मरने का बात के लिए क्योंकि इतना सालों से इससे अटैच हो गया ना इसलिए डर रहता है समझ गए बढ़िया सा एक लाख से टीवी लाया कुछ भी हो कम पैसा से भी बहुत ध्यान से देखेगा क्यों डर है इतना पैसा खर्च किया वो खराब हो गया तो डर तो so, इसका रेमिडी है आत्मज्ञान आत्मज्ञान पा गया तो डर धीरे धीरे मिट जाएगा इसलिए वोशोविल से सबसे बड़ा डर है मृत्यु कितना सीख लिया तो भी सबसे कोई भी लास्ट मोमेंट में गिर जाएगा वो मुमुक्षु का चार एनिमीस चार शत्रु वो का, इस ट्वेंटी वन डेज में उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन ये ले लेगा उसमें डर भी एक है जब मृत्यु का समय सब लोग डरता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है मृत्यु का एक्सपीरियंस नहीं लेता ना कोई भी बाकी सबका भी भी कोई भी बड़ा एग्जाम्स लेते प्रैक्टिकल एग्जाम्स चलता है उस प्रैक्टिकल एग्जाम्स में हमको पता चलेगा ये मॉडल एग्जाम पेपर मिलेगा और मृत्यु का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्स बहुत लोग को नहीं है तो इसलिए डरता है समझ गए तो आज का सेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि हाँ। मेरे को भी ऐसा एक्सपीरियंसेस आया जैसे फर्स्ट hmm. टाइम मैं देखी कि आई एम ऑब्जर्विंग द साइलेंस मतलब शून्य को देखा तो शून्य को जब मैं देख रही तो जब मैं को देखी तो इट वाज इतना ज्यादा साइलेंट था और मुझे लगा कि मैं उसमें है नहीं आई एम नॉटर तो मैं बहुत डर गई मैडम मैं एकदम उससे बाहर आ गई मैं बोलने लगी कि आई एम नॉट रेडी टू डाई Yes. So I was very much disturbed कि एक तरफ तो मैं चाहती हूँ की मैं अपने आप को मिट जाना चाहती हूँ दूसरी तरफ आई एम नॉट रेडी टू डाई हाउ के लिए नॉलेज चाहिए uh, में ऐसा आया की आई वॉज प्लेइंग विद तो मैं समुद्र के किनारे गई वो बोट को लेके एंड आई वॉन्ट टू सेल दैट बोट इन दॉटर बहुत सुंदर ब्लू स्काई ब्लू शांत पानी है देख के मैं उस बोट को छोड़ी लेकिन अचानक मैं देखी अरे उधर तो एंड मुझे कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं किधर भी खो जाऊंगी सोच के मैं बोली नहीं नहीं मैं बोट को नहीं छोड़ूंगी उधर किधर जाएगा खो जाएगा so <laughs> <और laughs> आज <आर वाँगा। laughs> मतलब आज मैं इसके लिए इतना स्ट्रगल कर रही थी थोड़े दिन से कि हाउ विल आई कोप अप विथ माई फियर वन साइड एंड वाई आई एवरी हर that... एक दिन हर एक दिन ऐसा सोचो मैं मरने से कैसा रहेगा माय बॉडी विल बीट एक विजुअलाइजेशन पिक्चर ले लो मैं सुबह लिया friends. Uh, सुबह क्या हुआ uh, अचानक कोई सुन नहीं पा रही है तो क्या होता है एक्चुअली बच्चों में इयरफ्लेक्स रखकर काम कर रहे मैं चिल्लाया 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 वो नहीं सुन रहे क्योंकि इलेक्स रख दिया तब मेरा अंदर एक आवाज ने बोला जैसा कोई सुन नहीं पा रही है तो उस समय आपका स्थिति कैसा रहेगा तब मेरा ओल्ड एज किसी का ओल्ड एज कैसा रहेगा एक बार पिक्चराइजेशन हुआ ऐसा ही बैठकर पूरा चल रहे देख नहीं पा रही है बाहर दुनिया को देखकर कुछ आनंद लेने के लिए क्योंकि बाहर इंद्रियों से ही हमारा माइंड काम करता है बाहर दुनिया दिखता नहीं चश्मा इतना मोटा हो गई तो भी नहीं दिखेगा तो ओके बाहर दुनिया नहीं दिख रहे कुछ सुनकर कुछ उसी प्र उसी में रह सकता है और ये भी काम नहीं करता है मतलब सुनना देखना बंद हो गया तब क्या करेगा अंदर कितना ज्ञान है उसके साथ रहेगा हम माया है तो माया के साथ अज्ञान है तो अज्ञान के साथ अंदर क्या है उसी के साथ रहता है तब अरे ये परिस्थिति और भयंकर रहता है लोगों को ऐसा सोचा इमिडिएटली आई गॉट ए सोल्यूशन उस समय ध्यान करना पड़ेगा कोई सुनने का जरूरत नहीं देखने का जरूरत है श्वासों के साथ रहो अंदर का नॉलेज से भी संबंध नहीं बाहर का चीज से भी संबंध नहीं घंटों घंटे घंटे घंटों करते रहो बस हो गया वो एज भी आराम से जाएगा वो उम्र भी सुबह और दूसरा में मेरा सबसे खास बात है मैं यूनिवर्स को टैंक्स बताता हूँ क्योंकि मुर्च्चि के बारे में बहुत क्लैरिटी दिया मुझको जब मेरा दादाजी मर गया मैं पास रहकर वही चीज ऑब्जर्व किया ये इतना कमाई इतना कमाई और पूरा छोड़ कर गया फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा और पूरा नानी को दिया और नानी भी मर गया तब समझ में आ गया अरे इतना इतना गोल्ड इतना सब कुछ नानी को दिया वो भी कुछ लेकर नहीं गया ओ दिस इज द रियलिटी और दूसरा मेरा दोस्त का वो जैन लोग है उनका मम्मी मर गया तब गया और उस दिन समझ में आ गया कि ये किस कपड़ा के साथ हम अरे मेरा कपड़ा ये है वो है तब तो वो भी नहीं रहेगा जब मरने का समय एज वी बोर्न दे विल टेक लाइक दैट तब और समझ में आ गया कुछ भी लेकर नहीं जाएगा एज वी कम से कैसा आ गया जाने के समय वैसा ही जाना छोड़ कर जाना और इसलिए मेरा अटैचमेंट बहुत हल्का हल्का है कभी भी तोड़ने का रेडी हूं ऐसा अटैचमेंट एटैचमेंट नहीं है तो जीवन में आगे नहीं जाएगा अटैचमेंट्स रख दिया बट इधर भी रख दिया साइड कट मतलब कट एवरी टाइम रेडी इतना तो कोशिश करना वो शो हर समय बोलता है एवरी डे फील दैट आई एम डेड मेरे डेड बॉडी कैसा रहता है मैं कैसा रहता हूँ एक बार देखकर मजा ले लो अच्छा रहेगा नो अटैचमेंट्स नो फियर ओके थैंक यू मैडम मुझे लगता है माइंड का डेथ बहुत ज्यादा इफ़ेक्ट करता है मैं बुक्स oh, पढ़ाई करो आफ्टर डेथ का बुक्स पढ़ाई करो इट वाज ओनली माय माइंड दैट वाज गोइंग डेड एंड आई गॉट सो मच हां ये डेथ का डर में बिकॉज हमको डेथ के बारे में क्या होता है मालूम नहीं इसलिए होता है बहुत बुक्स आ गया आत्मा का यात्रा लॉ ऑफ हिंदी में खूब सारा बुक्स आ गया वो सब बुक्स पढ़ाई तो वो भी क्लियर हो जाएगा ओके थैंक यू मैम थैंक यू जयश्री मैम हाँ मैम मैम मेरा ये एक चीज आपने दी थी होमवर्क दिया था आ पास्ट का जब भी याद आए कितनी बार याद आया लिखना फिर आ, मैं पूछूंगी और फिर उसके बाद आपसे संपर्क नहीं हो पाया था जी तो जी। हम लोगों ने पास्ट का कुछ दिन तक तो लिखा तो उससे हाँ ये फर्क पड़ गया कि हम लोग पास्ट अब याद करना भूल गए मतलब प्रेजेंट में रहना सीख गए इससे ये फर्क पड़ा था शायद आपने इसलिए करवाया होगा वो होमवर्क मैम हर एक चीज पास्ट का याद क्या है फ्यूचर कितना बार जारी है वो लिखे तो एविडेंस है अपने आप को एविडेंस चाहिए अदरवाइज हम सबके बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ एक एविडेंस अपने आप के साथ रखो तब समझ में आ जाएगा किधर ठीक नहीं Then mind will accept it, immediately. हाँ फर्क पड़ा तभी मैं समझ गई अच्छा मैम ने इसलिए शायद ये होमवर्क दिया था करके अच्छा एक चीज ये पूछे जैसे आपने बताया कि कई घटना हुई उससे आपने काफी कुछ वो सीखा तो ऐसी कई दुखित घटना होती है कई लोगों के साथ होती है मतलब सबके साथ एक ही दुखित घटना हुई उसके कई लोगों को एकदम से फर्क पड़ता है इन चीजों का एकदम उनकी आत्मा में एकदम से फर्क आने लगता है समझ में आ जाता है और कई लोगों को कुछ दिन फर्क पड़ता है कुछ दिन बाद वैसे की वैसे ही हो जाते हैं वो तो इसका क्या संबंध है प्रारब्ध से रहता है ये सब संबंध क्या के है ज्ञान संबंध हो जाता है फर्क नॉलेज हो जाता है और किसी को नहीं होता किसी को कम होता है फिर वो भूल जाता है ऐसा क्यों अभी छोटा बच्चा को मिट्टी में मत जाओ मिट्टी में मिट्टी खाना नहीं मिट्टी में खेलना नहीं बोलने से माँ का बोलने से तुरंत सुनता है फिर एक घंटे के बाद वही जाकर खेलते रहेगा यदि बड़ा पर्सन को बता दो एक बार बोलो फिर नहीं करेगा बेटा वो नहीं जाना है उधर डेंजर हो मिट्टी है नहीं करना वो नहीं करेगा क्या है वो मैच्योरिटी का डिफरेंस वो बेबी सोल और उन्नत आत्मा मतलब सोल का जर्नी में वो छोटा उम्र में है आत्मा शरीर नहीं आत्मा अभी अभी धीरे धीरे सीखते जा रही है वो सुनने में वो उसको अंडरस्टैंड होने में टाइम लगता है वो बहुत एक्सपीरियंस ले चुका है इस यात्रा में आत्मा का यात्रा में वो तुरंत सुनता है ओके मतलब को किताब एक किताब पढ़ने से मतलब एकदम से फर्क पड़ जाता है लाइफ में कई लोग वो उस किताब को पढ़ते हैं तो वो नहीं पढ़ता तो उसका मतलब ये सॉल्व का रहता है कि भाई ये मेरा हाँ, अपना लास्ट क्लास में शायद मैं बोल दिया एक मिनट एक मिनट रुको एक लाइफ जर्नी है इस लाइफ जर्नी में हम क्या सोचेगा देखो. Okay. ये सेंटर सेंटर ऑफ कॉन्शियस ये हम जा रही है सब ये डॉट्स अलग अलग आत्मा इसी के लिए जा रही है शायद हमारे बगल में बहुत जन्मों के बैक साइड मतलब उसका सेक्शन अब तक हमारे पास नहीं आई ऐसा नहीं। एक सर्किल घूमना मतलब सौ जन्म होना ये बगल में दिख रहे हमको बट बहुत दूर है जन्मों में बट हमको लगता है हम दोनों एक ही रास्ते में है चलते रह रहे इसका इवोल्यूशन मेरे जैसा नहीं, नहीं तो उसका इवोल्यूशन मेरे से ज्यादा है बट तीन चार एक ही लाइन में है फर्क क्या है इवोल्यूशन जन्मों का फर्क है वो और बैक है जन्मों में दिखना साथ रहेगा दिस इज़ इधर का ड्रामा वैसा ही रहता है समझ गए वो फर्क जी, इसलिए। जी, जैसे वही आपने अभी बताया था बीच में कि किसी को नॉलेज मतलब हो जाता है ले लेता है कम उसमें और किस, कोई वही नॉलेज नहीं ले पाता है जब मतलब सब लोग जब इकट्ठे होते हैं जैसे तो कोई नॉलेज दे रहा है तो कोई ले लेता कोई नॉलेज नहीं लेता है तो इसका उसी से फर्क है ना मतलब यस yes, यस yes. ये तो ये डेथ और हो गई है तो नहीं मैम आप मैनिफेस्टेशन के लिए यदभाव तदभावती आपका भाव किस प्रकार उसको देख रहे विजुलाइजेशन विजुअलाइजेशन डेथ को क्लैरिटी आने के लिए देख रहे डेथ को इनवाइट नहीं कर रहे आप आपका कोई चार्ट में रखा है मैम अगर बार बार डेथ को विजुलाइज़ किया सो, वो हो जाएगा ना नहीं इधर नहीं डेथ हो गया तो मेरा कैसा रहता है अभी कल में जॉब में आ गया तो कल दिल्ली जा रही है दिल्ली में क्या क्या जाना है कैसा रहेगा एक फील रहता है ना वैसा ही समझ गए ओके कुछ भी डाउट्स है कल के लिए रखो अपना टाइम हो रही है एंड वेरी थैंक यू फ्रेंड्स फिर कल पूछूंगी आज का सेक्शन में क्या क्या है प्रिपेयर हो जाओ बहुत अच्छा बहुत अच्छा सेशन रहा मैडम बहुत बढ़िया थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सोना मैम चिन्ना चिन्ना मेरे का बोल रही हूँ आत्मकथा बुक रीड करने बोल रहा सबको एक Uh, uh, एक योगी का कदाचित okay. योगानंद परमहमसा का वो बुक बिल्कुल पढ़ाई करिए और उनका गुरु योगानंद परमहंस को ऊपर लोक में क्या योगानंद रोते रहेगा अरे मेरा गुरु मर गया कैसा कैसा वो दुख में रहता है वो गुरु आकर शरीर से वो रूम में होटल रूम में उनको पूरा एक्सप्लेन किया ऊपर क्या है समझ गए वो बुक पढ़ाई कर थैंक यू फ्रेंड्स इंटिमेट या थैंक यू थैंक यू यस मैम अर्ना मैम आई विल क्लोज द सेक्शन हां ओके